संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेदांत सार को समाप्त करने की मन में बना ली है और वेदांत सार आज एक वीडियो बनेगा, उसके बाद दो वीडियो और बनेंगे, उसके बाद वेदांत सार संपूर्ण समाप्त हो जाएगा। फिर आपको बताना है ऐसा कौन सा हिस्सा रह गया है जिसको हमने छोड़ दिया है। एक तरफ से हमने पढ़ाने का प्रयास किया है, 10 साल तक के प्रश्न पत्रों को भी जो आए हैं प्रश्न पत्र, उन प्रश्नों को छांट छांट कर हमके एक जगह लिखा है, उसको भी हम लाइव वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आशा करेंगे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं नेट या GRF की, जून में लगभग उन सभी का नेट या GRF निकल जाएगा, ये आशा है। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और विषय देने का। इस वीडियो को समाप्त होते ही वेदांत सार को खत्म करने के बाद में सीधे न्याय सिद्धांत मुक्तावली को देखेंगे। बहुत सरल है, लगता तो उसको कठिन है विषय, लेकिन न्याय सिद्धांत मुक्तावली बहुत ही सरल है। ये मान के चलिए 2 से 4 वीडियो में उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे, सरलतम विधि से समझाने का प्रयास करेंगे, शुरुआत कर देंगे उसकी बहुत जल्दी ही। तो हम इसमें पिछली जो वीडियो थी उसमें जाना था आत्म साक्षात्कार सिद्धि के साधन, तो उसमें 4 साधन माने गए थे, श्रवण, मनन, निधि ध्यासन और समाधि। श्रवण जो था वो 6 लिंगों से युक्त होने के कारण वो थोड़ा बड़ा था, इसलिए हमने श्रवण और 6 लिंग जो थे षडलिंग उनको वहीं समझाने का प्रयास किया था। आज हम मनन, निधि ध्यासन और समाधि, इन तीनों को विस्तृत रूप से जानेंगे, कोशिश करेंगे ये आज समाप्त हो जाए। आत्म साक्षात्कार सिद्धि के साधन, ठीक है ना, वो भाग एक था, ये भाग 2 है। सीधे इसमें चलते हैं, दूसरा भाग था, दूसरा जो हिस्सा था यानी कि एक साधन, उसमें हमने श्रवण को जान लिया, ये है मनन। बोला गया है मननम तु श्रुतस्य अद्वितीय, वस्तुनो वेदांता ओफो वेदांता अनु गुण युक्ति भी अनवरत चिंतनम, अनवरतनम अनुचिंतनम है, ठीक है, अनु चिंतनम। इसको जान लिया, एक ही पंक्ति है। जो लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या प्रेरणा स्रोत युक्त जो वीडियो होती है उनको ज्यादा देखते हैं, उनके लिए इन जो 3 बताए जा रहे हैं, श्रवण तो शायद ही समझ में आता है, श्रवण तो एक विषय वस्तु को केंद्र करता है, याद रखना। एक चीज यहां बताता चलूं, उसके बाद फिर सारी चर्चा चलेंगे, कभी कभी अन्य विषय को भी अध्ययन कर लेना चाहिए। 3 चीजें होती हैं, गोल अर्थात लक्ष्य, ठीक है, यानी कि लक्ष्य को बनाना पड़ता है। मोटिवेशनल स्पीकर जितने भी होते हैं सब यही बताते हैं, पहले होता है गोल यानी लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा होता है उस पर कार्य करना, बस 2 ही चीजें होती हैं। यानी कि पहले लक्ष्य को निर्धारित किया जाए कि ये विषय है, लक्ष्य मतलब गोल, गोल मतलब विषय जिसको तुम पाना चाहते हो, उस पर कार्य करना, और फिर उसको पाने के लिए जो जो कार्य किए जाते हैं वो सारी सीढ़ियां
वो सारी विधियां बताई जाती हैं मोटिवेशनल स्पीकरों के द्वारा, ठीक है, जो प्रेरणा स्रोत वीडियो बनाते हैं उनके द्वारा। अब हम यहां पर उसको भी देखते चलेंगे, और आध्यात्मिक तो हम अध्ययन कर ही रहे हैं और विषय का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने जो गोल प्राप्त किया था श्रवण के द्वारा, लक्ष्य प्राप्त किया था लिंग के द्वारा, लिंग मतलब चिन्ह, लिंग मतलब साध्य, साधक, साध्य का, यानी कि जिसको जानना है, यानी ब्रह्म को, वहां जान लिया कि ब्रह्म को ही जानना है, ब्रह्म को ही प्राप्त करना, ये लक्ष्य हो गया। अब ब्रह्म की जगह आप कोई भी लक्ष्य लगा लिए, कोई किसी का टीजीटी होता है, किसी का पीजीटी होता है, किसी का नेट होता है, जीआरएफ होता है, पीसीएस होता है, ये सब कुछ भी लक्ष्य रख लीजिए। तो पहले उसको विषय में जान लिया कि ये मुझे करना है किसी भी प्रकार से, फिर उसका बार बार याद करना, जैसे उसमें था उपक्रम था, उपसंहार था, यानी कि उस विषय को जान लेना कि ये विषय है, इसको शुरू में और अंत में क्या करना है, पूरी व्यवस्था देख लेना। फिर अभ्यास था, फिर अपूर्वता था, यानी कि केवल एक ही, उसमें दिखाया ना श्रुति के द्वारा ही प्रमाणित किया जाता है ब्रह्म को, ऐसे ही केवल आप जो कर रहे हैं उससे हटकर के अन्य विषय को ना करके केवल उसी से संबंधित ही आपको कार्य करने होंगे, ऐसी ही चर्चा की गई थी। उसके बाद में क्या था, फल, यानी फल क्या होगा इसका भी चिंतन करना, थोड़ा सा विचार करना, फल करना, फल प्राप्त करना। और फिर क्या था, उपपत्ति था उसमें, उपपत्ति मतलब उपाय, यही तो था। यही को, इसी को आगे बढ़ाने के बाद जब लक्ष्य निर्धारित हो गया ब्रह्म का, आप किसी और का भी लक्ष्य रख सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि मननम तु, यानी कि उसका मनन करना चाहिए। अब मनन है क्या, बार बार उसी लक्ष्य का, उसी विषय को प्राप्त करने के लिए मनन करना चाहिए। तो बोले श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुनो, यानी कि श्रुतस्य का तात्पर्य क्या है, जो श्रवण, जिसका श्रवण किया उस वस्तु का, हमने श्रवण के द्वारा उस ब्रह्म को जाना, अद्वितीय वस्तु ना, यानी अद्वितीय वस्तु अर्थात ब्रह्म को, अद्वितीय वस्तु यहां पर आप अपने अनुसार कुछ भी लगा लीजिए, अद्वितीय वस्तु मतलब जो अद्वितीय है, जिसके सिवा तुम कुछ चाहते ही नहीं। तो आध्यात्म जीवन में जो जीना चाहते हैं उनकी चर्चा चल रही है वेदांत में, लेकिन इसको यदि व्यवहार में लिया है, हम सामाजिक जीवन में ले आए, तो इसको आप अद्वितीय वस्तु के लिए वो रख लीजिए जो आप चाहते हैं, वो अद्वितीय वस्तु होगी, उसके सिवा आपको कहीं रुकना ही नहीं है, एक दूसरे विषय की तरह पढ़िए इसको। तो श्रुतस्य अद्वितीय वस्तुना, यानी कि श्रवण के द्वारा जिसको जाना गया उस अद्वितीय वस्तु का वेदांत अनुगुण युक्त भी, यानी वेदांत के अनुसार, वेदांत अनुगुण, वेदांत अनु, वेदांत के अनुसार, वेदांत के जो वेदांत में जो वाक्य बताए गए उनके नियम बताए गए उनके अनुसार, यानी युक्त भी, उन युक्तियों के द्वारा अनवरत अनुचिंतनम, यानी कि लगातार उसी का चिंतन करते रहना ही मनन कहलाता है। मैंने थोड़ा सा इसको विषय से हटके समझाने का प्रयास किया है, पता नहीं आपको कितना समझ में आया होगा। इसको सीधे ब्रह्म पे चलते हैं। फिर हमने जो ब्रह्म जाना था, ब्रह्म की बात कर रहे हैं कि श्रवण, उस श्रवण के द्वारा जिस वस्तु का हमने ज्ञान किया था या ज्ञान कर लिया है, उसका वेदांत के अनुसार, वेदांत की युक्तियों के अनुसार, वाक्यों के अनुसार, या वेदांत ने जो जो उपाय दे रखे हैं उनके द्वारा अनवरत अनुचिंतनम, लगातार बिना व्यवधान के चिंतन करना ही मनन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उसको हमेशा याद में रखो, और कोई भटकाने के प्रयास करे तो उसको भटकना नहीं है, आपको सिर्फ वही दिखाई देना चाहिए, उसी का बार बार चिंतन करना चाहिए, उपाय ढूंढने चाहिए किसके द्वारा कैसे। यहां तो वाक्य है वेदांत के ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आपको कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना है उसके ढूंढिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है अध्यात्म में और सांसारिक में, दोनों तरह से देख सकते हैं। तीसरा है निधि ध्यासन। ठीक है, ये मनन तो उसमें था ही, निधि ध्यासन ये बहुत मुख्य है। इसको अगर समझ लिया तो जितनी भी बताते हैं योगा, चित्रवृत्ति, निरोधा वगैरह, ये सब इसी के द्वारा प्रयुक्त है। बोला गया है इसमें विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय, वस्तुना सजातीय प्रत्यय
प्रवाह निधि ध्यासनम। अद्वितीय वस्तु इतना ही है केवल। विजातीय देहादि प्रत्यय रहित अद्वितीय वस्तु सजातीय प्रत्यय प्रभाव निधि ध्यासनम। हमने चिंतन करना शुरू कर दिया, ब्रह्म को जान लिया, उसका चिंतन मनन शुरू हो गया, उसके बारे में कह रहे हैं विजातीय देहादि यानी कि जो ब्रह्म है उससे हटकर के आप जो भी विचार करेंगे, प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब विचार लिया गया है, याद रखना, ठीक है। तो देहादि यानी कि देह आदि, यहां देह ही प्रयोग किया गया है क्योंकि जो सारी ऊर्जा है वो हमारे सभी दर्शनों में जो बताया गया है, ब्रह्मचर्य जो व्यवस्था दी गई है यानी कि सेक्स सेंटर, काम केंद्र जो है वो एक तरह से पावर हाउस का काम करता है। और काम वासना जब हम किसी चीज में ध्यान प्रयोग करते हैं तो वहां से ऊर्जा बहुत विस्तृत रूप से जनरेट होती है, मतलब उत्पन्न होती है। किसी भी चीज में आप ध्यान की प्रक्रिया शुरू कर दोगे तो आपकी काम ऊर्जा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी, ये नियम है। इसीलिए सभी दर्शनों में सेक्स सेंटर को ध्यान में रखकर के उससे युक्त चित्रवृत्तियां जितनी भी हैं उनको विशेष रूप से समझाया है। काम केंद्र से ऊर्जा यदि उत्पन्न हुई और आपका मन विचलित हो गया, इसीलिए शब्द लगाया देहादि, यदि आपको देहादि यानी किसी दूसरी विपरीत लिंग की तरफ आपका विचार विचलित हो गया तो उसको जो ध्यान नहीं करते हैं, अध्यानी हैं, उनसे ज्यादा कठिनाई हो जाएगी ध्यानी को उन विचारों को रोकने के लिए। समझ मारी एक बात, एक साधारण व्यक्ति है एक ध्यानी व्यक्ति है। साधारण व्यक्ति को सेक्स सेंटर जितना ईश्वर प्रकृति द्वारा प्रयोग ऊर्जा है उसका ही वो प्रयोग करता है, लेकिन जो ध्यानी होते हैं वो ऊर्जा को ऊर्ध्वरेता बनाते हैं। पानी है, पानी को अगर गर्म करना है तो उसको उबालना पड़ेगा, ऊर्जा देनी पड़ेगी। जब ऊर्जा होगी तो साधारण पानी है वो बाष्पीकृत अपने आप से भी होता है और बाष्पीकृत हमको भी करना है। जब बाष्पीकृत वो अपने आप से होता है तो उसमें विशिष्ट की गुप्त उसमें जो प्रयोग होती है तो अपने आप से हो जाती है, वो बाष्पीकरण हो जाता है। समुद्र का जो पानी है वो बाष्पीकरण सूर्य के प्रकाश से हो जाता है लेकिन इतना गर्म नहीं होता। लेकिन यदि हमको पानी को बाष्पीकृत करना है, उसको बाष्प बनाना है, तो हमको उबालना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उसको उबालना होता है, तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो बहुत विस्तृत रूप से खर्च होती है। इसी प्रकार से हमारा जो जीवन है, जो सेंटर है, काम केंद्र है, जीवन शक्ति वही है, याद रखना, इसलिए मूलाधार बोला गया है उसको, मूल है वो, जीवन का आधार है, उसको गलत नहीं है वो। ध्यानी लोग जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो उस काम सेंटर में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा को यदि ऊर्ध्वरेता बनाया गया यानी ऊपर को ले जाया जाए विचारों के द्वारा, ये विचार अनवरत चलते रहना चाहिए कि मेरा ध्यान जिस पर होगा वो ऊर्जा उसी तरफ दौड़ेगी। कोई भी ऊर्जा है हम उसको अब साधारण रूप से भी समझ सकते हैं, जब ऊर्जा बाहर होती है, हवा है, वायु है, वायु को यदि दिशा बदलनी हो, पंखे से ले लीजिए, एसी से लीजिए, किसी और चीज से ले लीजिए, उसको दिशा भी बदला जा सकता है, उसकी हवा को बदला जा सकता है, ऐसे ही ऊर्जा है, ऊर्जा को बदला जा सकता है। तो यहां पर विजातीय देहादि प्रत्यय यानी कि जो विचार हैं आपके वो देहादि यानी देह आदि से उत्पन्न जो विचार हैं उनसे रहित, अर्थात वो ऐसे विचार नहीं आने चाहिए, नहीं तो काम ऊर्जा को कंट्रोल करना असंभव हो जाएगा और काम की प्रवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, जिसके आदमी कभी कभी पागल की श्रेणी में भी चला जाता है। सेक्स सेंटर में ऊर्जा बढ़ रही है, आप विचार रोक नहीं पा रहे हैं ध्यान के माध्यम से, तो दोनों में विरोधाभास होगा और पागल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि ध्यान को योग गुरु के सामने ही करना चाहिए, ये इसका कारण है, और बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहां पर विजातीय देहादि प्रत्यय यानी कि जो विजातीय है, विजातीय कौन सी है, जो ब्रह्म से हटकर तो कुछ भी विचार है, अब यहां पर लक्ष्य भी लगा सकते हैं आप, लक्ष्य पर अगर आपका विचार ध्यान है और उससे हटकर के यदि कोई अन्य विचार करते हैं तो आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और दोष किसको देंगे, किसी ना किसी को देंगे, अपने आप को देंगे, गरीबी को देंगे, पैसे को देंगे, पिता को देंगे, मां को देंगे, दोस्तों को देंगे, किसी ना किसी को दोष देंगे, लेकिन हम ये नहीं सोच पाएंगे कि विजातीय है वो, अर्थात जो हमारा लक्ष्य था उससे हटकर के हमने विचार करना शुरू किया था। प्रत्यय यानी विचारों को रहित अद्वितीय वस्तु यानी कि इन विचारों से हटकर के जो विजाती है उनसे हटकर के अद्वितीय वस्तु जो अद्वितीय ब्रह्म है, सजातीय प्रत्यय प्रवाहो यानी सजातीय है, आप जिसको चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो सजातीय हो गया। प्रत्यय यानी कि विचारों का प्रभाव ही निधि ध्यासन है,
इतनी बात आपको समझ में आ गई, बहुत विस्तृत समझा दिया है मैंने। ये निधिध्यासन है प्रवाह, विचारों का प्रवाह एक दिशा में, लक्ष्य कैसे नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो तेल की धार और पानी की धार दो देखिए, एक होती है तेल, एक होता है पानी। किसी भी दर्शन में यह नहीं कहा कि पानी की अनवरत जो धार गिरती है उसके समान, उसको तेल की धार ही क्यों कहा गया? आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, पानी की कितनी भी अच्छे से धार डालिए अंत में आकर के वो बिखर जाती है, ऊपर से सही आएगी लेकिन अंत में वो बिखर ही जाएगी किसी ना किसी कारणवश। इसलिए वो पानी जो है वो विचार की तरह बिखर जाते हैं, ऐसे विचार यदि आपके बिखर गए तो वो धार सही नहीं होगी। तेल की धार को देखिए आप कभी करके, प्रयोग करके, न देखा है तो देखा है तो बहुत बढ़िया है। तेल की धार ऊपर से नीचे तक प्रवाहमान होती है, एक ही दिशा में होती है, उसमें बिखराव 1% भी नहीं होता। 1% का 0.00 लगाते चले जाओ, उसके बाद में भी इतने परसेंट भी नहीं होता। इसलिए निधिध्यासन जो है वो तेल की धारा के समान विचारों का प्रवाहमान है लक्ष्य की दिशा में। तो यहां भ्रम की दिशा है, आप किसी लक्ष्य को भी रख सकते हैं, उसकी दिशा में विचारों को, उससे हटकर के जो विचार आते हैं उनको हटा देना ही निधिध्यासन कहलाता है। आगे आओगे आपकी समझ में, आशा कर रहा हूं, और नहीं आया हो तो फिर भी कमेंट में बताना क्या चीज समझ नहीं आई है। चौथा है समाधि साधन। अब समाधि यही है, जब हमारा विचार एकाग्र हो गया, चित्त की वृत्तियां जब तेल की धारावत हो गई, तब समाधि की प्रक्रिया उसके बाद शुरू हो जाती है अपने आप से। और समाधि जिसको प्रयोग हो जाए, मतलब समाधि का मतलब है योग चित्तवृत्ति निरोध, योग उसके द्वारा चित्त की वृत्तियों का किसी एक विषय पर ही रोक देना समाधि होती है। तो हम अगर एक विषय पर ही रुक जाएंगे हमारी चित्त की वृत्तियां, तो हम उसमें पारंगत हो ही जाएंगे, उसको प्राप्त कर ही लेंगे, वो लक्ष्य भी हो सकता है और ब्रह्म भी हो सकता है। तो इसमें बोला गया है समाधि दो प्रकार की बताई गई है, एक है सविकल्पको और दूसरी है, मैंने इसको दो भागों में बांट दिया, ऐसे ही ऐसे नहीं है, हालांकि सविकल्पको निर्विकल्पकश्चेति इस तरह से है। अब इसको मैंने दो भागों में बांट दिया, एक और दो नंबर लिख दिया, ऐसा नहीं है उसमें, सविकल्पक और निर्विकल्प दो समाधि हो गई। प्रथम है सविकल्प, इसमें बोला गया है ज्ञात्र ज्ञानादि गिल्प विकल्प लया पेक्षया अद्वितीय वस्तुनी। ये अद्वितीय वस्तुनी तो सभी में आएगा, याद रखना है आपको। अद्वितीय वस्तु यहां पर सिर्फ ब्रह्म के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। तदा कारा कारिताया चित्तवृत्तेर अवस्थानम, ठीक है। इसमें ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्पयान अपेक्षया, अपेक्षी नहीं अपेक्ष, अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदाकार कारिताया चित्तवृत्ति अवस्थानम। इसमें देखिए बहुत बड़ी गलती हुई है, कभी कभी दिमाग इतना भटक जाता है, निधि है ये, ठीक है, निधि ध्यासनम, पता नहीं उसमें मैंने सही किया है या गलत किया है। निधि ध्यासन है ये, दिमाग पता नहीं कैसे भटक जाता है कभी कभी। मैंने बताया है कि लिखते समय और बोलते समय में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, बोलते बोलते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम न चाहते भी उसको विस्मृत कर जाते हैं। तो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कम से कम, इसलिए पुस्तकों के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ कि हो सकता है मैं व्याख्या ठीक कर, मैं देखता हूँ एक दो बार व्याख्याएँ अगर गलत होती तो मैं उसको वीडियो को हटा ही देता हूँ।
दोबारा से बनाने का प्रयास करता हूँ। यदि कहीं कोई बर्तनी अशुद्धि रह जाती है तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि उस बर्तनी को, यार लग रहा है आपको यहाँ अशुद्धि है और पुस्तक में गलत दे रखा है, मतलब सही दे रखा है और यहाँ गलत दे रखा है, तो आप कमेंट के माध्यम से उसको सही करने का प्रयास करें, जिससे कि कुछ लोग हैं जिनके पास पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो उनको थोड़ा सा लाभ मिल सके इसका। बस यही मेरा आपसे अनुरोध है। और पारंगत तो कोई नहीं होता इस दुनिया में, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ सही करने का, रह जाती है कभी कभी। चलिए, ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्प लयान, विकल्प लयान, अब लयान शब्द नहीं, लय, अनपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि तदा कार्यकारिता चित्तवृत्ति अवस्थानम्। समाधि भी दो प्रकार की है। समाधि में जो सविकल्पक सा शब्द लगा हुआ है, यानी कि जो विकल्प दे रखे हैं उनके सहित किसी का चित्तवृत्ति का आकार ले लेना ही, यानी उसी वस्तु में रम जाना ही सविकल्पक समाधि है। सविकल्प और विकल्प क्या है इसको थोड़ा जान लीजिए। ज्ञात्र ज्ञान आदि, यहां शब्द लगा ना, तो इसमें प्रयोग हुआ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये त्रिपुटी मानी जाती हैं, यानी कि तीन चीजें हैं, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ये तीनों जब एक साथ होती हैं तो ये बोल रहे हैं भाई ये विकल्प के अंतर्गत आते हैं, इनको विकल्प माना है ना, विभाग, भाग, पाठ, सब कुछ मान लीजिए। मैं जानने वाला हूं, जिसको जाना जा रहा है ब्रह्म, यहां ज्ञेय है, और ज्ञान क्या है उसका ज्ञान, उसको जानना यह ज्ञान है, मतलब उसको पता कर हो गया कि ये है, तो वो थोड़ा सा जो बीच में है उन दोनों को जो जानने वाला है, मुझे ये ज्ञात कराने वाला है, वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ये तीनों की अनपेक्षया, इनकी अपेक्षा, इनकी लय, यहां जो शब्द है लय, लय का मतलब क्या होता है, इसको विलय करना, लय का मतलब विलय, इन तीनों को विलय न करते हुए, इन तीनों का भान होते हुए, लय का मतलब विलय कर देना, खत्म कर देना, इनका भान ना रहना, लेकिन कह रहा अनपेक्षया, इनकी अपेक्षा ना करके, अर्थात ये तीनों का पता हो, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, तीनों को जानते हुए भी अद्वितीय वस्तुनि उस ब्रह्म में, अद्वितीय वस्तुनि या अद्वितीय ब्रह्म में, अद्वितीय ब्रह्म शब्द गलत है, अद्वितीय वस्तुनि यानी ब्रह्म में, ब्रह्म किया तदाकार कारिताया, उसके आकार की, तद माने उसके, उसके आकार के जो चित्तवृत्ति जो है उसके आकार का आकार ले लेती है चित्तवृत्ति, एव अवस्थानम। थोड़ा सा और समझ लो, अभी थोड़ा मुझे लग रहा है ऐसा समझ में नहीं आ रहा आपके, पहले थोड़ा सा चित्तवृत्ति को जान लीजिए कि चित्तवृत्ति है क्या। हमारे ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी इस दुनिया में देखा जाता है, अब इसमें सभी चीजें हम जो योग दर्शन पढ़ेंगे तब चित्तवृत्ति आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। चित्तवृत्ति से तात्पर्य है आपने कोई बात सुनी, सुनने पर आपका मस्तिष्क उसका चित्र ग्रहण करता है, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, उसका आकार ग्रहण करता है। किसी ने आपको ताजमहल की कहानी सुनाई, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहां केवल रटना ही नहीं है, इसको समझना भी है। तो हमने ताजमहल की जब चर्चा की तो आपका मस्तिष्क वही आगरा में पहुंच जाएगा, यदि कभी गए हो, सुना है तो, नहीं सुना है तो एक अजीब सी चित्र बना लेगा, ऐसा होगा, वो ही आकारकारिता कहलाता है, यानी कि वो चित्रवृत्ति जो है उसके आकार के। अब ब्रह्म को तो जाना नहीं, वस्तु जो है अद्वितीय वस्तु ब्रह्म को जाना, लेकिन उसका आकार क्या है, यही तो बड़ी समस्या आ जाती है। इसीलिए कभी कभी साकार और निराकार में द्वंद्व हो गया, लड़ाई हो गई, क्योंकि चित्त की वृत्तियां तो आकार लेती हैं, लेकिन यहां पर जब हम अगली बार जो निर्विकल्पक समाधि है वो कहती है कि किसी आकार की जरूरत ही नहीं है, विश्व असंप्रज्ञात समाधि बोला है, उसको वाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हमारे देश में भी दोनों में विवाद हो गया, तो साकार और निराकार ये दो चीजें बन गई, कैसे बन गई, इसी से बनी है, यानी चित्त की उस ब्रह्म की वस्तुओं का आकार ग्रहण करने के बाद उसी में ही स्थित हो जाना, अवस्थानम, उसी में ही रम जाना, निर्विकल्पक समाधि कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी, एक बार और बताता चलूं, सविकल्पक समाधि कहती है ज्ञात्र ज्ञानादि विकल्प, विकल्प लया, यानी कि ज्ञात, ज्ञाता, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के लेना होने का, यानी कि साथ
लय ना होना, इनकी अपेक्षा ना करना कि लय हो जाए या खत्म हो जाए। इनके साथ इनका ज्ञान होने से होने के साथ साथ यानी का भान होने के साथ साथ अद्वितीय वस्तु में चित्तवृत्ति का आकार ग्रहण करने करके उस अद्वितीय वस्तु में ही रम जाना, स्थित हो जाना समाधि कहलाती है। ठीक है, चलिए अब एक और रह गया है इसमें, पक समाधि और रहेगी, उसको देख लेते हैं। ये तो आपको सब समझ में आ ही गया है, इसको मैं रहने देता हूं, इसको समझाना भी है थोड़ा सा। और इसमें जो बोला गया है इसको ध्यान रखना है, जो समाधि है जैसे कि मिट्टी का घोड़ा किसी ने देखा, हाथी किसी ने देखा, तो हाथी तो दिखाई दे रहा है लेकिन उसके साथ साथ उसको मिट्टी का भी भान हो रहा है। ऐसे यहां ब्रह्म को तो जान ही रहे हैं, अपने को भी जान रहे हैं, उस जानने वाले ज्ञान को भी, ज्ञान जिसके द्वारा मिला है उसको भी जान रहे हैं। तीनों चीजें इसमें सम्मिलित रहती हैं। ठीक है, ये इसका तात्पर्य है। इसमें दूसरी समाधि है निर्विकल्पक, इसमें बोला बिल्कुल यही है, ज्ञात्र ज्ञान आदि ले। अब इसमें ले अनपेक्ष कहा गया है, इसमें अपेक्ष कहा गया है, अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि, ठीक है वही है सेम, तदा आकार कारिताया चित्तवृत्ते अतितराम एकी भावेन अवस्थानम भावेना अवस्थानम। ठीक है, बिल्कुल यही है। इसमें एक दो चीज बढ़ गई है, उसको देखेंगे। ज्ञात्र ज्ञानादि, ज्ञात्र ज्ञानादि लय अपेक्षया अद्वितीय वस्तुनि, यानी ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, ये जो तीन हैं, लय की अपेक्षा, इनकी लय की अपेक्षा की जा रही है, यानी कि इनका विलय हो जाना ही अद्वितीय वस्तुनि, विलय होकर के अद्वितीय वस्तुनि तदाकारता चित्तवृत्ति, चित्तवृत्ति का अत्यंत रूप से, अद्वितीय वस्तु का जो आकार लिया चित्तवृत्ति ने, उसमें अत्यंत रूप से एक ही भाव हो जाना ही, होकर के स्थिर हो जाना ही निर्विकल्पक समाधि है। यहां पर तीनों का ज्ञान था और चित्तवृत्ति ने ब्रह्म का रूप धारण कर रखा था, आकार ले रखा था। यहां पर चित्तवृत्ति का आकार ग्रहण इतना कर लिया उसने, अत्यंत एक ही भाव हो गया, उससे अभिन्न हो गया, यानी ब्रह्म ही हो गया वो व्यक्ति जो इसका ध्यान कर रहा है, मनन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। वो चित्त की जो वृत्तियां हैं उस ब्रह्म के आकार में इतनी खो गई कि ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीनों त्रिपुटी जो है वो समाप्ति हो गया, चित्त वृत्तियां उसमें समाप्ति हो गई, ब्रह्म ही ब्रह्म रह गया। इसलिए तो बोला गया इसमें, इसी में तो बोला गया था अहम ब्रह्मास्मि, तब उसको अनुभव होता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं और वो अलग नहीं है। इसमें उदाहरण भी दे रखा है, पानी है, पानी में यदि नमक डाल दिया जाए और उसको घोल दिया जाए तो फिर नमक अपने आप को खो देता है, वो पानी ही हो जाता है। या समुद्र है, समुद्र में वर्षा गिरती है तो वर्षा की जो बूंद है वो दिखाई नहीं पड़ती और वो पूरा समुद्र ही बन जाता है। इसीलिए इसी तरह से व्यक्ति की जो चित्तवृत्ति है उसमें इतना एक ही भाव हो जाए ब्रह्म में कि उसके सिवा फिर उसको कुछ दिखाई ना दे, तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय की जो त्रिपुटी है वो उसमें खो जाए, तब उसको इसमें जाकर के अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान होता है। वो तो यहां भी आता है लेकिन यहां पर ये अनुभव रहने के कारण पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं हो पाता, यहां निर्विकल्पक में ये पूर्ण रूप से ज्ञात होता है। दूसरी चीज और बताता चलूं यहां पर, इसी को असंप्रज्ञात और सविकल्प को संप्रज्ञात समाधि बोला गया है योग दर्शन में। लेकिन वहां पर जो असंप्रज्ञात समाधि है, संप्रज्ञात तो एक जैसी है, असंप्रज्ञात समाधि में किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं होती, यहां पर कम से कम ब्रह्म की आवश्यकता तो है, अर्थात अद्वितीय वस्तु तो है, सालंब तो है, लेकिन वहां पर वो ब्रह्म भी नहीं रहता, ब्रह्म भी वहां आलंबन के लिए नहीं रहता, चित्त की वृत्ति लगाएंगे कहां, कहीं कोई जगह नहीं रहती, तो वहां स्वयं ही स्वयं ब्रह्म बच जाता है। इसलिए उसके द्वारा और समझेंगे तो बहुत विस्तृत में समझाया जाएगा, आशा करूंगा इसमें अगर कोई वृत्ति में गलती रहेगी तो आप सुधारने का प्रयास करेंगे।
वैसे मैंने बहुत कोशिश की है अपनी तरफ से। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।